हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और खासकर आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन और स्टेट पुलिस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DMRC जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जनसंख्या से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आसानी से देख सकें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पहला चीन है और दूसरा स्थान भारत का है, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी में सबसे यानी कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 17.5%, 17.5%, यानी कि विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या है। विश्व के कुल जनसंख्या का भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पहला सिक्किम है और दूसरा मिजोरम है, जहाँ की भारत में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा मेघालय। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश यानी राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारत में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि कम क्षेत्र पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि प्रथम स्थान पर है, जहाँ की प्रति वर्ग किलोमीटर पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करता है, और दूसरा स्थान मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि कौन सा राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, जहाँ की सबसे कम लिंगानुपात है, और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पहला केरल, दूसरा मिजोरम, जहाँ की सबसे अधिक साक्षर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पहला बिहार और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करता है? यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC निवास करता है? तो पहला स्थान हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ की सर्वाधिक SC निवास करता है, और दूसरा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति निवास करता है? तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहाँ की सर्वाधिक ST निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों भारत का लिंगानुपात है 943 यानी कि प्रति हज़ार पुरुष पे 943 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है?
भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो आंसर हो जाएगा 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रूस, जो कि विश्व में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस का पहला स्थान है, दूसरा कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। और अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान यानी कौन सा है? तो सातवां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सातवां है। 23वां सवाल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा राजस्थान का। और लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गोवा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एक एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अपनी नोट बना लें, और जो भी वीडियो अपडेट किया जाता है उसका नोट जरूर बना लें। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट का आप लोगों का कमेंट का मुझे यानी कि बेसब्री से इंतजार रहता है और पढ़ के थोड़ा मज़ा आता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 9 बजे जो क्विज़ है उस क्विज़ में भाग जरूर लें। और चलिए, बाय बाय, थैंक यू।